लोकसभा चुनाव के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है और उसी के साथ साथ लखीमपुर जो सबसे हॉट सीट कही जाती है वहां पर आज मतदान हो रहा है। तमाम लखीमपुर के जो निवासी हैं यानी जो वोटर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है। क्या मूलभूत समस्याएं होती हैं जब ये वोट करने के लिए जाते हैं या इनके मन में क्या मुद्दा रहता है, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, आज आपने मतदान किया, क्या मुद्दा रहा आपके दिमाग में? हमारा मुद्दा विकास रहा, हमारा मुद्दा रोजगार रहा, हमारा जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य रहा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज जनता झेल रही है, जैसे चाहे वो छुट्टा जानवर समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो। हमारे जिले जनपद में लखीमपुर खीरी में हृदय जो एक समस्या है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, उसका कोई डॉक्टर नहीं है अभी तक। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, इन डबल इंजन की सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। ये बताइए, जैसा इन्होंने कहा स्वास्थ्य की समस्या, छुट्टा जानवर की समस्या, आपको क्या लगता है क्या क्या कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है सर। अपने वहाँ बीते 10 साल से 15 सालों से लगभग हृदय रोग विभाग में अभी कोई भी यहाँ पे नियुक्ति नहीं है किसी भी बड़े डॉक्टर की। और दूसरी बात है सर, हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है हमारा रोजगार, जो कि अभी 10 सालों में एक भी पूरा नहीं हुआ। जो भी भर्ती निकली है या तो निरस्त हो गई है, या तो उनका परिणाम नहीं आया है, या तो पेपर लीक हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। सारी समस्याओं का खामियाजा यहाँ के सांसद को भुगतना पड़ेगा और वोट बैंक में भी एक डेंट लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लगना ही चाहिए और 100% लगेगा। जहाँ तक जो भी बंदा अपने यहाँ गृह जनपद को छोड़ के किसी और जगह पर तैयारी कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी वोट नहीं कर सकता बीजेपी को किसी भी हालत में। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके जो मौजूदा सांसद हैं वो आते हैं यहाँ, नहीं आते हैं? आते होंगे, लेकिन मुझे तो मेरे गांव में तो कभी नहीं आए, मुझसे तो मुलाकात हुई नहीं कभी। हमारे गांव में उनका कोई भी विकास अभी तक नहीं पहुँचा है। ये बताइए, आपने आज मतदान किया है, क्या मुद्दा रहा मन में? मन में बहुत अच्छा मुद्दा रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर 50 गौशाला लखीमपुर खीरी में बने हैं, हर गौशाला में जो है जानवर शिफ्ट है, चारा मिल रहा है, जिसकी समस्या जानवर सड़क पर दिखाई दे रहा है। ये कहाँ, ये किसानों की समस्या है, किसान इसको पकड़ के ले नहीं जाना चाहता, इसको पकड़ के क्या सरकार ले जाएगी, हम लोग पकड़ के ले जाएंगे इसको। हम लोग रोजगार कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सबको धंधा है, सबको काम कर रहे हैं, अपना खुद का धंधा है। पेपर लीक का बता रहे हैं, पेपर लीक हुआ, ये सरकार ने नहीं लीक कराया, ये बीच वाले ने लीक करा दिया पेपर को। ये जो सरकार की नहीं, ये दूसरी पार्टी का इसमें जालसाजी रही। नुकसान तो इसमें युवाओं का होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी वाले ये मुद्दा बना लेते हैं कि सरकार कैसे गिराई जाए। है ये तो युवा है, अपनी नौकरी की बात कर रहा है, कहे नौकरी की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, मोदी जी ने नौकरी मिलेगी सबके लिए, सबके लिए नौकरी मोदी जी ने दिया, पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई करेंगे नौकरी भी मिलेगी। अच्छा, आपने सुना अभी, आपने भी यहाँ पर खड़े हैं कि सड़कों पर छुट्टा जानवर है, अस्पताल यहाँ पर हृदय रोग का नहीं, आप भी यहीं के निवासी हैं, आपको लगता है ये जेन्युइन कारण है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने अस्पताल के बारे में बताया, आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज लखीमपुर पास हो गया है, हमारे युवा हैं, छात्र हैं, यहीं पे पढ़ाई करेंगे, नर्सिंग की पढ़ाई करेंगे, मेडिकल कॉलेज है, ट्रामा सेंटर है, 15 CSC हमारे इस जनपद के अंदर है, न कहां में जहां आप यहां पे खड़े हुए हैं, जनपद की सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा उपचार होता, समय से बैठते हैं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, और इससे अच्छा स्वास्थ्य केंद्र क्या हो सकता है? आज आपने भी वोट किया होगा, क्या क्या हाँ क्या मुद्दा आपके मन में था, जिस तरीके से आपने सुना तमाम लोगों ने? राष्ट्र सुरक्षित हो, बस इससे बड़ा और कोई मुद्दा? युवा को नौकरी मिले कि ना मिले, नहीं, स्वरोजगार पे भी तो ध्यान देना चाहिए, कि नौकरी के सारे हर व्यक्ति रहेगा तो फिर स्वरोजगार को करेगा, रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना, रोजगार होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है इसको लेकर कदम उठाना? मिलने वाले को मिल भी रहा, मेहनत करिए, बिल्कुल मिल रहा है, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें लड़के एग्जाम में टॉप भी, एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। देखो पेपर, ये देखो इसे कोई गवर्नमेंट एसोसिएशन इस पे रोक नहीं लगा, इसमें जो अराजक तत्व होते हैं वही इसको लेकर आते हैं, इनमें कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती है, बस ये होता है कुछ हद तक कम हो सकता है। सड़कों पर जो छुट्टा जानवर वाली समस्या है, आप भी किसान होंगे, आप भी खेती करते हैं, जानवर जो है आपके जो है ये गौशाले जो है इनमें पहुँच चुके हैं, कुछ छुट्टा जानवर जो बचे हैं ये जो है ये भी चले जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार यहाँ का जो चार्जिंग का परिणाम है, क्या लगता है आपको क्या होगा?
नहीं, यहाँ तो भाई हमें तो भाजपा लग रहा है। किसान नाराज नहीं है उनसे? नहीं, ये तो हम तो नहीं नाराज हैं। जो एक घटना हुई थी, भूल चुके हैं यहाँ पर किसान? अब उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। किसानों का वहाँ पर कोई बात ही नहीं थे, तो वो बाहरी अराजक तत्व थे। किसान हमारा पूरा मोदी जी से संतुष्ट है और मोदी जी को वोट कर रहा है। जो आप अभी आवारा पशुओं की आप बात कर रहे हैं, 240 जानवर मैं खुद आपके यहाँ के जो हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ। 240 जानवर हमने पकड़वा करके गौशाला भिजवाने का काम किया, और मैंने सबसे निवेदन किया आप जानवर पकड़वाइए और गौशाला भिजवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जितने भी जानवर आप पकड़वाएंगे, आप अगर जिम्मेदारी ले लें तो मैं कल ही अपने यहाँ के जानवर जितने हैं पकड़वा लूंगा। आप लाइव में हैं, बिल्कुल आप जिम्मेदारी लेते हैं इसकी? बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपने बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं आपको कल जानवर कम से कम दो चार ट्राली पकड़ के दूंगा, बिल्कुल दीजिए, ठीक है? आप उनको भेजवाना। इसके पहले मैंने कई बार, अब आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है, चार जून के बाद हमसे आप बात करिएगा। चलो 4 जून, ठीक है? सारे सारे जानवर आप पकड़ने का काम करें, भिजवाने की जिम्मेदारी ना रहे ना। हो सकता है आपकी इस तरीके के ऐसे तमाम मुद्दे हैं लखीमपुर की जनता के कि छुट्टा जानवरों की समस्या को खत्म होना चाहिए, जो पेपर लीक की समस्या है उसको खत्म होना चाहिए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो फेवर कर रहे हैं उनका कहना यह है कि हमारी सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, और आगे भी चल के लखीमपुर की जनता के लिए इस तरीके के काम होते रहेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को यहाँ की जनता ने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है। लखीमपुर से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।